बिहार में जेडीयू कुमार नीतीश कुमार का साथ छूटने के बाद प्रशांत किशोर ने हमला बोल दिया। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशांत किशोर ने नीतीश को पहले पिता समान बताया, फिर जमकर भड़ास निकाली। प्रशांत किशोर के मुताबिक अब वाले नीतीश कुमार उन्हें पसंद नहीं है। नीतीश कुमार ने सिर्फ सीट के लिए बीजेपी से समझौता किया। प्रशांत कुमार ने आगे कहा कि गांधी और गोडसे साथ नहीं चल सकते। आइए आपको सुनवाते हैं कि प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा। वो ये रहा है कि गांधी और गोडसे दोनों साथ में हम लोग नहीं चल सकते हैं। पार्टी के लीडर के तौर पर, पार्टी के तौर पर आपको ये बताना पड़ेगा कि हम लोग किस साइड खड़े हैं। दूसरी जो वजह रही है विवाद की या मतभेद की, वो रही है जदयू की और नीतीश कुमार जी की गठबंधन में पोजिशनिंग को लेकर। अब ये सब आप जानते हैं कि भाजपा के साथ नीतीश जी का कोई पहला संबंध नहीं है, कोई नया संबंध नहीं है, पिछले 15 साल से साथ में है और ये बात मुझे भी मालूम थी। फिर क्यों ज्वाइन किया पार्टी? क्योंकि जिस भाजपा के साथ जिस तरह नीतीश जी रहे हैं 2004 के बाद और आज जिस तरह से हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मेरे लिए नीतीश कुमार 2014 के नीतीश कुमार धूल धूसरित, चुनाव हारे हुए 2 MP के नेता, उनका ज्यादा सम्मान है। बिहार की वो शान थे। आज 16 MP लेकर जब वो किसी गुजरात के लीडर उनको बताते हैं कि आप ही लीडर बने रहिएगा, मेरे लिए वो बहुत अच्छी बात नहीं है। बिहार का मुख्यमंत्री यहाँ के 10 करोड़ लोगों का नेता है, उनका सम्मान है, उनकी शान है, उनकी आन है। वो कोई मैनेजर नहीं है कि किसी दूसरे पार्टी का नेता उसको डिप्यूट करे कि ये हमारे नेता होंगे। वो अधिकार और एकाधिकार सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता का है और हम लोग वो नेता चाहते हैं जो सशक्त हो और समृद्ध भारत के लिए, समृद्ध बिहार के लिए अपनी बात कहने में किसी का पिछलग्गू ना बने। इन दो बातों को लेकर मेरा और नीतीश जी से आपस में मतभेद भी रहा है, आचार विचार भी हमारा चलता रहा है। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।